भक्ति करने की कोई उम्र नहीं होती, प्रभु को याद करने की कोई उम्र नहीं होती। दुनिया के और कार्य भी करने हैं, पर ये नहीं कि सत्संगत बस खाना पीना उठना बैठना यही सारे काम मेरे हैं। नहीं सत्संगत, यहाँ इस दुनिया में आया हूँ सत्संगत, जिस कारण से आया हूँ वो तो मैं कर लूँ। सत्संगत गुरु ने मुझे किस लिए यहाँ धरती पे जन्म दिया है कि सत्संगत ये काम तो पशु पक्षी भी कर रहे हैं, खाना पीना उठना बैठना। सत्संगत संताने उनकी भी है, संताने मनुष्य की भी है। सत्संगत क्या ही फर्क रह जाना उनमें और आप में। सत्संगत ये मानस तन बड़े ही भाग्य से प्राप्त हुआ है, और सत्संगत ये मानस तन हमें, सत्संगत ये जीवन जो मिला है ये ऐसे गंवाने के लिए नहीं मिला, भक्ति करने के लिए मिला है, अच्छे कार्य करने के लिए मिला है। सत्संगत मेरी लड़ाई उससे है, मेरी लड़ाई इससे है। सत्संगत ये दुनियावी कारण नहीं है, ये सत्संगत ये तो जीवन में दुखदाई वाले कारण है। अगर अच्छाई करनी है तो सत्संग में आओ, क्योंकि सत्संगत यहाँ से वो सीख मिलती है। हमारा मिशन ये नहीं कहते ना कि घर छोड़ दो, पूजा नहीं करनी, ये नहीं करना, बहुत सारे ऐसे काम है वो नहीं करने। सत्संगत हमारा मिशन, हमारा गुरु हमें परिवार में रहते हुए भक्ति करना सिखा रहे हैं कि किस प्रकार हमने भक्ति करनी है। ये जो जन्म मिला है सत्संगत, कैसे हमें सफल बनाना है। सत्संगत ये वो दर है जहाँ पे हर एक वो चीज, हर एक वो प्रश्न का हल सत्संगत सत्संग में मिलेगा। सत्संगत दासी ने तो बचपन से ही इस प्रभु को देखा, और वाकई सत्संगत दासी ये कहे कि दासी के कर्म अच्छे थे कि मुझे गुरु मिल गए। सत्संगत नहीं, कर्म तो उन्होंने मेरे पे कर दिया है, कर्म तो इन्होंने मेरे पे कर दिया है। जिस लायक नहीं थी उस लायक इन्होंने बना दिया। वाकई सत्संगत आज मैं देखती हूँ कि संसार में कहीं भी चले जाओ शांति नहीं है। सत्संगत कहीं तीर्थ भी चले जाओ, कहीं पे भी चले जाओ, सत्संगत वही लड़ाई झगड़े। किसी से पूछो सत्संगत दासी, एक बार की बात, एक बहन थी सत्संगत और दासी के साथ, वो सत्संगत सेमिनार अटेंड करने जाती थी। तो सत्संगत दासी के साथ वो चल रही थी और दासी से पूछी कि आप जी क्या हाल है। तो दासी हमेशा उनको यही कहती कि महापुरुषो बहुत अच्छी है। क्या महापुरुष क्यों बोलते हो? मैंने कहा हमारे मिशन में एक आदर सम्मान दिया जाता है, प्यार की बोली होती है महापुरुषो। सत्संगत फिर दासी उनसे बोलते आप जी आया करो सत्संग में। बोले घर वाले मना करते हैं, अभी उम्र नहीं है सत्संग में जाने की, कैसे जाऊं। सत्संगत दासी ये भी बात कहते कि भक्ति करने की कोई उम्र नहीं होती, प्रभु को याद करने की कोई उम्र नहीं होती। सत्संगत ये तो गुरु ने हम पे कृपा कर दी है, ये गुरु हम बड़े ही भाग्यशाली हैं। सत्संगत आज यहाँ इन महापुरुषों ने सत्संग रखवाया है, इन्होंने कर्म किया है कि हम इस सत्संग का भागीदार बन गए हैं। सत्संगत बड़े बिरले और बड़े ही किस्मत वाले होते हैं जो गुरु की सत्संग का आनंद ले पाते हैं। सत्संगत गुरु ने आप सबको चुना है, एक माला के मोती बनाया है सत्संगत, एक माला में ये पिरो रहे हैं। सत्संगत ऐसे कर्म हमारे बन जाए ये जो जा रहे हैं। सत्संगत ये सब कुछ करने कराने वाला तो परमात्मा है, मेरा तो सिर्फ एक माध्यम बना दिया है।